अपने थाईलैंड के ट्रिप पे कुछ बड़ी गलतियां जो टूरिस्ट और नए ट्रैवलर्स करते हैं, जिन गलतियों की वजह से वो हजारों रुपए गवा देते हैं और अपना टाइम भी। मैं थाईलैंड में रहता हूँ और ये गलतियां हर टाइम टूरिस्ट को करते हुए देखता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सारी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आप थाईलैंड में हजारों रुपए गवा सकते हो, ताकि आप वो गलतियां ना करो थाईलैंड में या किसी भी और कंट्री में। हे गाइस, दिस इज अर्जुन एंड यू आर वॉचिंग आइकॉन ट्रैवल। सबसे बड़ी गलती जो बंदे कर देते हैं है पटाया को स्पेशल जगह मानना और ये सोच के वो पटाया में 3 या 4 दिन बुक कर देते हैं। पटाया 1 या 2 दिन से ज्यादा की डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आपकी एज 35-40-45 साल है तो शायद आप 3-4 दिन भी पटाया में रह लो, लेकिन एक यंग बंदा जो 20-25 साल अराउंड इस एज ग्रुप के जो भी अपने बंदे हैं मेरी तरह, वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा ही नहीं पटाया जाना, लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप 1 से 2 दिन के लिए वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। एंड आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए बैंकॉक में या आइलैंड्स पे अगर आप एक यंग बंदे हो। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग थाईलैंड के ट्रिप पे करते हैं वो है टुक टुक में घूमना। तो थाईलैंड में टुक टुक किसी टैक्सी या किसी ऑटो जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट एक्टिविटी के जैसी देखी जाती है, क्योंकि थाई लोग टुक टुक में नहीं घूमते। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने का किराया 50 baht है तो टुक टुक वाला आपको चार्ज करेगा 300 या 400। और इसी से रिलेटेड एक और गलती जो लोग कर देते हैं, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं वो काफी व्लॉगरों को देखते होंगे जो बताते हैं कि आपको ग्रैब टैक्सी ऐप को यूज करना चाहिए, लेकिन गलती ये है आपको ग्रैब की जगह यूज करनी चाहिए बोल्ट। क्योंकि ग्रैब में जितने पैसों में आपको एक छोटी गाड़ी मिलती है ना, उतने ही सेम पैसों में बोल्ट में आपको एक डिलक्स गाड़ी मिलती है, बिकॉज बोल्ट सस्ती ऐप है। और ये मुझे मेरी थाई गर्लफ्रेंड ने बताया था, क्योंकि वो लोकल है, वो जानती है। तो नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं, दे बुक टू डीप, मतलब वो सारी बुकिंग्स अपनी पहले से कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू सारी चीजें पहले से ही बुक कर रहे हो, ट्रैवल एजेंट को आपकी नीड्स के बारे में नहीं पता कि आपको नाइट लाइफ पसंद है, पार्टीज पसंद है, आपको फुल मून में जाना है या आपको ट्रैवल पार्टनर से मिलना है। ये सोचो कि अगर आप ट्रिप पे हो और आप किसी ट्रैवल पार्टनर से मिल लिए, अब उसके साथ आपका प्लान बन गया किसी दूसरे शहर में जाने के लिए, तो आप वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे दूसरे शहर में जाके, क्योंकि आपकी सारी बुकिंग्स ऑलरेडी हुई हुई है। तो इस वजह से जब भी आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ट्रैवल एजेंट से मत कराया करो। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मुझे पता है आपको पार्टीज बहुत ज्यादा पसंद होंगी, तो अगर आपको पार्टीज और नाइट लाइफ वाला अमेजिंग ट्रिप चाहिए तो सारी की सारी बुकिंग और ट्रिप प्लानिंग मैं ही आपकी करवा दूंगा, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग ट्रैवल के टाइम पे करते हैं थाईलैंड में या किसी भी और कंट्री में, वो है किसी से भी भिड़ जाना। आप अपनी कंट्री में जो मर्जी करो, क्योंकि आपको लॉ पता है, आपको अपनी भाषा आती है, लेकिन ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हो, चिल करने जा रहे हो, किसी से भिड़ने नहीं जा रहे हो। एंड थाई लोगों का कल्चर कुछ ऐसा है कि वो लोगों की आंखों में भी डायरेक्टली नहीं देखते, लेकिन अगर कोई फॉरेनर उनसे भिड़ रहा है और हवाबाजी में हाथापाई तक बात पहुंच गई है, थोड़ा भी फिजिकल हो गया, तो वो सारे ग्रुप बना लेंगे और आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एक बार मेरे अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक देसी अंकल रिसेप्शनिस्ट पे फालतू में चढ़ रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने शायद कोई गलती कर दी होगी, लेकिन वो फालतू में ही बहुत एक्स्ट्रा उसे बोल रहे थे और बहुत ज्यादा रूड हो रहे थे। मैं उन्हें समझाना चाहता था कि अंकल, जब तक आप इससे प्रोफेशनली बात कर रहे हो ठीक है, उसकी नौकरी है, आपने ज्यादा अगर उससे उल्टी सीधी बात करी और यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो आपकी सारी हवा टाइट हो जाएगी। और ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट एडवाइस है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको पूरी दुनिया का सबसे चिलेस्ट बंदा, सबसे कूल बंदा रहना है। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है या किसी और की भी गलती है, तो भी आपको उनसे नहीं भिड़ना, क्योंकि हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही होगा और आप पूरी दुनिया मजे से ट्रैवल कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे आदमी हो जो हर किसी को दबाना चाहते हो दूसरी कंट्री में, आप हमेशा चिल रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है कोई बात नहीं, पैसे दे दें, आगे बढ़ जाएं, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए, फन करने के लिए, ऐसा आपको फर्क ही नहीं पड़ता, एंड बस अपने एंजॉय करते रहो ट्रैवल पे। तो अगली बहुत बड़ी गलती जो अपने देसी भाई कर देते हैं वो ये है, वो थाईलैंड जाके भी इंडियन खाने के पीछे भागते रहते हैं। देखो, अगर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूं ना और आप एयरपोर्ट पे आके मुझे ये बोलते हो कि मैं 15 दिन के ट्रिप के लिए आया हूं, मैं तो ये रूल बना दूं कि इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे कि आप 15 दिन अपनी कंट्री के खाने के बिना रह लोगे, मैं तभी उसे अपने देश में एंट्री दूं। यार 15 दिन तो आप रह सकते हो अपने खाने के बिना, बिकॉज अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप पूरे
बचपन से इतने सालों से अपनी कंट्री का खाना खा रहे हो, अपने घर का खाना खा रहे हो, बोर हो गए होंगे राइट। ट्रैवल हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें नई चीजें एक्सपीरियंस करनी है। तो अगर वहां जाके भी आप अपने घर का खाना ढूंढ रहे हो तो आप ट्रैवल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो थाईलैंड का स्ट्रीट फूड एंजॉय करना, बहुत सारे वेज ऑप्शन भी होते हैं उसमें, यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ईसान सॉसेज जरूर ट्राई करना, वो हर जगह बैंकॉक में स्ट्रीट फूड के कार्ट्स पे मिलती रहती है। अगली मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो है अकेले घूमते रहना हर जगह। आप अगर एक सोलो ट्रैवलर हो और आप अकेले घूम रहे हो, इट्स फाइन, मैं भी बहुत ज़्यादा अकेले घूमता हूँ, लेकिन अगर आप हर जगह अकेले घूमते रहोगे आप कभी भी ट्रैवल को इंजॉय नहीं कर पाओगे। यू नीड अ ट्रैवल पार्टनर, और अगर वो कोई लोकल बंदा या बंदी हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़े आ जाएंगे, क्योंकि लोकल बंदा आपको बेस्ट लोकल जगहों पे लेके जा सकता है, वो आपके लिए ट्रांसलेट कर सकता है या वो आपको बता सकती है किस तरीके से आपको सिटी को घूमना चाहिए। जैसे मैं जब बैंकॉक में रहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड मुझे सब कुछ बताती है, बेस्ट थाई पार्टीज में लेके जाती है, बिकॉज वो लोकल है और उसे पता है। एंड आप इतना ज़्यादा फन करते हो व्हेन यू हैव अ लोकल फ्रेंड और अ ट्रैवल पार्टनर। और अगर आपको सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वो 2 घंटे की पूरी मास्टर क्लास बिल्कुल रेडी है जिसके थ्रू आप ट्रैवल पार्टनर ढूंढ सकते हो। व्हेन यू हैव अ ट्रैवल पार्टनर आप इतना ज़्यादा फन करते हो जो आप कभी भी अपने किसी कज़न के साथ ही नहीं कर सकते। ऑल्दो वो भी फन होता है, इट इज़ नथिंग कम्पेयर्ड टू अ ट्रैवल पार्टनर। बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग कर देते हैं अपने ट्रिप पे वो आइलैंड्स पे बाद में जाते हैं। थैंक यू। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लैंड करोगे बैंकॉक में जो कि है एक शहर, और फिर आपको जाना है आइलैंड्स के ऊपर जैसे को समुई, को फीफी। तो बहुत लोग क्या करते हैं वो पहले बैंकॉक घूमते हैं और फिर वो आइलैंड्स पे जाते हैं। ये गलती इसलिए है क्योंकि बैंकॉक एक सिटी है, आप वहाँ पे घूम घूम के ऑलरेडी थक जाओगे, और जब आप आइलैंड्स पे जाओगे आपके पास एनर्जी ही नहीं होगी आइलैंड को घूमने के लिए और वहाँ पे मजे करने के लिए। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे शहर है और आइलैंड्स है, जैसे इंडोनेशिया अगर जा रहे हो और आप जकार्ता जाना चाहते हो और बाली जाना चाहते हो, तो आप हमेशा बाली पहले जाओ फिर जकार्ता जाओ। अगर आप फिलीपींस भी जा रहे हो तो आप पहले पलावन, करोन, इन आइलैंड्स पे जाओ, फिर आप सेबू सिटी, मनीला को घूमो। तो हमेशा आपको पहले आइलैंड्स घूमने चाहिए और फिर शहर। आइलैंड्स पे रिलैक्स कर लो, मज़े कर लो, और फिर आप शहर में मज़े करके थको, क्योंकि शहर आपको थका देता है। एंड एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो है आइलैंड्स पे नहीं जाते, अपने दिवंदे से बैंकॉक और पटाया पे अटके रहते हैं और वो आइलैंड्स को अपने ट्रिप में ऐड ही नहीं करते जब वो थाईलैंड जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप आइलैंड्स पे जाओ और सिर्फ पटाया या बैंकॉक में अपना टाइम ना किल करो सारा अपने थाईलैंड के ट्रिप पे। एंड एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, आई होप आप ये सारी गलतियां ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स आइकॉन ट्रैवल।